आश्चर्य की बात है शेखर बाबू, इतनी छोटी सी बच्ची और संस्कृत का ऐसा शुद्ध उच्चारण। जी इतना ही नहीं, इसे तो पूरी गीता है। अच्छा, लोगों से सुना है कि जो महान आत्मा आपके घर से चली गई थी वो इस बच्ची के रूप में वापस आ गई है, और ये भी सुना है शेखर बाबू कि इसके पीछे पूरी कहानी है। जी हाँ, मेरी जीवन कहानी। क्या मैं सुन सकता हूँ? सुनिए, कई साल की बात है, एक रोज मैं अपने दोस्तों के साथ सैर व तफरी के लिए गया था। अचानक एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई, शहर से मीलों दूर का मामला, डॉक्टर मिलता भी तो कहां। फिर किसी ने बताया कि पास एक प्राकृतिक आश्रम है, हम उसे वहां ले गए। प्राकृतिक आश्रम, बस बस मुझे प्रकृति माता की शरण में अकेला छोड़ दो। तुम लोग जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। फिर वही किताब, 100 बरस जीने का राज। अबे अकल के दुश्मन, अगर यही तुम्हारे लक्ष्य है तो 100 बरस क्या, 100 दिन नहीं जी पाएगा। चल। निखिल भुवन पालम, राघव राजा। अरे गणेश,
चल तू जलाल तू आई भला कोटाल तू जल 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 तू जलाल माँ अरे माँ मेरा कान खींचो मेरा कान जड़ से उखाड़ दो लेकिन मैं घर को नहीं आऊंगा माँ नहीं आऊंगा अरे माँ के बच्चे मैं तेरी माँ नहीं शेखर हूँ तेरी अपनी तो जान ही निकल गई थी अरे बाप रे अच्छे जी तो ये घर से भागकर यहाँ डेरा डाल दिया है और क्या करता यार तुम तो माँ की जबान को जानते हो कैची की तरह चलती है ए, लेकिन श्रीमान आप यहाँ कहाँ से टपक पड़े अरे टपक क्या पड़े एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई इलाज कराने के लिए यहाँ ले आए सबके सब गेट पर खड़े हुए देखो उधर गुरुदेव रहते हैं उस कुठिया में उनका हाथ पड़ा कि बीमारी गायब और इस कुठिया में शारदा देवी रहती है शारदा देवी एक नजर बीमारी गुम ऐसा करो तुम जाओ शारदा देवी के पास और मैं गुरुदेव को लेकर अभी आया नहीं नहीं ठहरो जरा गड़बड़ हो गई तुम जाओ गुरुदेव के पास और मैं जाता शारदा देवी के पास अरे नहीं 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 मेरे ख्याल से तुम बंद करिए बकवास ये क्या इधर उधर लगा रहे कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ और बाहर मेरे दोस्त के सामने मौत खड़ी हुई मौत अरे भाई साहब ये प्राकृतिक आश्रम है यानी कुदरती इलाज का अस्पताल अरे मौत की मौत आई है जो यहाँ आए मौत तो मेरी आई हुई है जो तुझसे मिला जा देवी जी को बुला ऊंचा सुनती है देवी जी से मिलना है गोरी भी देवी जी देवी क्या कहना है अच्छा तो आप बोलती हैं सुनिए वो बड़ी देवी है ना बड़ी देवी शारदा देवी नहीं शारदा हूँ जी आप शारदा देवी हैं क्षमा कीजिए मैं आपको कुछ और ही समझा था नमस्ते जी नमस्ते बात दरअसल ये जी कि मेरा एक दोस्त अचानक बीमार पड़ गया आप उन्हें देखने चलिए बाहर गेट पर नहीं हाँ जरा मेरी तरफ देखिए और दर्द को भूल जाइए जो मैं पूछूं उसका फटाफट जवाब दीजिए हाँ तो बताइए आपका नाम क्या है बदनाम वो तो आपकी सूरत से मालूम होता है आप तो फिर पूछता क्यों है अज्ञानी अजीत का नाम है मोहन मोहन बारे मोहन इतने ज्ञानी होकर बच्चों की तरह चीखने लग गए इसी में तो जिंदगी का राज है प्यारे अच्छा बाबा अच्छा हाथ जोड़ा हाथ जोड़ा लो गुरुदेव भी आ गए घबराओ नहीं बेटा ये मुझसे नहीं इन मूर्खों से कहिए गुरुदेव घबरा तो ये रहे हैं यार करता है कि नहीं अच्छा बाबा अच्छा क्यों बेटा ये बीमारी तुम्हें 5 बरस से है ना जी और ये दौरा तुम्हें हर महीने पड़ता है पूर्णमासी की रात कमाल है मान गए गुरुदेव हाय तो बेटा तुम इतनी शराब क्यों पीते हो आदत से मजबूर हूँ गुरुदेव गणेश जी तुम भाप के लिए पानी गर्म करवाओ बहुत अच्छी बात और शारदा बेटी रोगी के लिए इलाज का इंतजाम करवाओ रोगी को कुछ दिन यहाँ ठहरना पड़ेगा आप सब लोग जा सकते हैं सिर्फ एक आदमी काफी है अच्छा नमस्ते नमस्ते जरूर देखो ऐसा करो तुम सब जाओ मैं मोहन के पास रह जाता हूँ ठीक है बाय बाय क्यों मोहन मालूम होता दर्द कुछ कम क्या फर्क पड़ता है प्यारे पहले दर्द का दुख था अब दर्द ना होने का दुख गणेश इनसे कहो यहाँ मरीज से बात करना मना है सुन लिया यहाँ मरीज से बात करना मना है क्यों जी मैं पूछता हूँ ये बीमारी इतनी जल्दी कैसे चली गई ये मट्टी का जादू है या आपके हाथों का आश्रम का नियम है वो तो ये मेरा नियम गणेश ये
जी, ये क्या है? ये है सिगरेट। और इसे यहाँ पीना मना है। मालूम, मरीज से बात करना मना है, सिगरेट पीना मना है। मगर देवी जी, किसी शरीफ आदमी के मुंह पर मट्टी लगाना आपके आश्रम में मना नहीं। क्या बदतमीजी है, मेरे मुंह पर मट्टी लगा दी। अजीब बात है, मट्टी को मट्टी से नफरत, नफरत तो होनी चाहिए सिगरेट और दूसरी नशीली चीजों से। मिट्टी तो हमें जन्म देती है, जिंदा रहने के लिए अनाज देती है, और फिर ये मिट्टी तो है जिसने अभी अभी आपके दोस्त की जान बचाई है। आप इस सच्चाई को माने या ना माने, लेकिन जब तक आप इस आश्रम में हैं, आपको यहाँ के नियमों का पालन करना ही होगा। ये सब क्या है? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं देवी जी। लीजिए रस। रस नींबू का। क्यों देवी जी, आपके आश्रम में कोई दूसरा रस नहीं मिलता? कैसा? जैसे कि अंगूर का रस, मेरा मतलब है सोम रस। देखिए, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से जाने के बाद भी सोम रस ना पीजिएगा। मगर अपनी जान प्यारी हो तब ना। खैर लाइए, रस तो है। गणेश, जरा वो प्लेटें उठा के यहाँ ले आना। क्यों गणेश, इन शेखर जी को मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी? पर मैं करती थी क्या? जब उनसे कह दिया कि आश्रम के कुछ नियम हैं, तो उन्हें उनका पालन करना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। मगर 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 लातों के भूत बातों से कर मानते। माफ कीजिए, धोखा देना आप खूब जानते हैं। जाइए यहाँ से। देखिए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन अपने पास से जाने के लिए मत कहिए। मैं भी आपके साथ मिलकर लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। ये प्लेटें यहाँ जमा दूँ? शुक्रिया। अब कोई और काम दीजिए। कहिए, सब्जी काटने में आपका हाथ बताऊँ? ये आपका काम नहीं है। अरे आपने मेरे हाथों की सफाई देखी ही नहीं। देखा आपने, घंटों का काम मिनटों में हो गया। हो गया, हो गया। उफ, क्या बच्चों किसी हरकत में करते हैं। एक बात पूछो, आपकी शादी हो गई? सुनिए सुनिए, ये पति 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 लेकिन आप नाराज क्यों होते? मैंने तो यूं पूछा था। वैसे तो मुझे मालूम था, मैंने आपकी मांग देकर अंदाजा लगा लिया था कि आपकी शादी होगी। आप क्या कहती? मैं कहती हूँ ये सब बेकार है। मेरा पूछना है शादी करना? दोनों। देखिए देखिए देखिए, आप गुस्सा मत किया कीजिए। एक बात और पूछो, आप सारी उम्र कुंवारी रहिएगा? हाँ। नेक ख्याल है, मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। ताज्जुब, आपके और मेरे ख्याल कितने मिलते जुलते। मेरे लायक कोई और सेवा है तो बताइए, चुटकियों में कर डालू? आप चुटकियों में यहाँ से चले जाइए। जी हाँ, नहीं ऐसा नहीं, कोई और काम बताइए ना। सुनिए सुनिए, देखिए देखिए ना, ये बहुत दर्द करता है। पानी डालिए। पानी गर्म या ठंडा? कहिए मुनीम जी, चिरंजीव का कुछ पता चला? क्या बताऊं मालिक, ढूंढते ढूंढते बूट चप्पल हो गए, कहते कहते गला बैठ गया, लेकिन उनका कुछ पता ना चला। अरे बेवकूफ, चिरंजीव कहने से उसे कौन पहचानता है, शेखर के नाम से पूछा होता। कहने को मालिक मैंने वो भी पूछ देखा, पर चिरंजीव और शेखर दोनों का पता नहीं चला। बहुत होशियार हो गए हो तुम। इसमें क्या शक है मालिक? अहमद कहीं का। इसमें क्या शक है मालिक? जाओ जाओ, काम करो अपना। जय सीताराम मालिक। जय सीताराम, जय सीताराम। आओ आओ बैठो रामचरण, बैठो। इसे आना हुआ? आप तो जानते ही हैं मालिक, इस साल बाढ़ से कितनी फसल तबाह हो गई है, लगान की पूरी रकम नहीं ला सका। सिर्फ 2000 में से 1500 रुपए और बाकी अगली फसल। अगली फसल? ये कैसे हो सकता है? क्यों मुनीम जी? जी हाँ मालिक, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? अरे बेवकूफ, इसकी सारी फसल तबाह हो गई है, ये पूरी रकम कहाँ से देगा? हाँ मालिक, कहाँ से देगा? लो ये रुपए, 1000 रुपए जमा कर लो, 500 लौटा दो। लो भाई, 500 लेने के
उल्टे देने पड़े। मुनीम जी, जप 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 रे, जप 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 तो मेरे मनवा, जप रे प्रीत की माला होए, जप रे प्रीत की माला, जप 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 रे। प्रीत है देवी, प्रीत है देवी, प्रीत शिवाला, जप रे प्रीत की माला, जप 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 रे, होए जप रे, होए जप रे, जप रे जप रे। प्रीत से बढ़कर मीत न कोई, प्रीत से आगे रीत न कोई, प्रीत से बढ़कर मीत न कोई, प्रीत से आगे रीत न कोई। छोड़ जगत को जोगी बन जा, छोड़ जगत को जोगी बन जा, छोड़ के प्रीत दुशाला, जप रे प्रीत की माला, जप 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 रे, जप 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 रे, जप 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 रे। जब 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 प्रेम नगर का बासी हो जा, डूब के इस सागर में खो जा, प्रेम नगर का बासी हो जा, डूब के इस सागर में खो जा। अगर लगन है तेरी सांची, दर्शन देगी बाला, वो दर्शन देगी बाला, जप रे प्रीत की माला, जप 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 रे, जप 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 रे, जप 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 रे। जब 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 अंग भभूत रमाले जोगी, जोगन क्यों ना तेरी होगी, अंग भभूत रमाले जोगी, जोगन क्यों ना तेरी होगी। प्रीत के रस से भरेगी एक दिन, प्रीत के रस से भरेगी एक दिन, तेरा खाली प्याला, जप रे प्रीत की माला, जप 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 रे, जप 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 रे, जप 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 रे। ये सब क्या हो रहा है? पूजा, देवी की पूजा। लेकिन ये तो देवता का मंदिर है। कुछ भी हो, मेरी देवी ने मुझे यही दर्शन दिए। तो आप दर्शन कीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आप कहाँ चले? मैं आपकी और आपकी देवी के बीच में क्यों हूँ? ठहरी 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 ठहरी, मेरे लिए तो दोनों एक बराबर है। मुझे आप में देवी नजर आती है और देवी में आप नजर आते हैं। मेरे लिए तो आप देवी है और देवी आप है। सुनिए 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 सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप इस तरह क्यों देखती है? इस तरह मत देखिए, मुझे डर लगता है। क्या बच्चों की सी बातें करते हैं आप? मैं बच्चों की सी बातें करता हूँ? मैं तो बच्चा ही हूँ। सुनिए ना, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ मैं भूल गया, हाँ याद आ गया। सुनिए, मैं आज रात की गाड़ी से घर जा रहा हूँ। जाइए जाइए बस, झूठ मूठ ही कह दिया होता कि कुछ दिन और रह जाओ। खैर जाने दीजिए, बात दरअसल ये कि शायद मुझे विदेश जाना पड़े, चीन। चीन? हाँ। वहाँ एक कल्चरल डेलीगेशन जा रहा है और मैं। अच्छा सुनिए, जाने से पहले आपसे मिलने हूँ। मुझसे मिलने? क्यों? ये तो मुझे एक लड़की है, मैं जाने क्यों जब जब मैं उसे देखता हूं उसमें मुझे तुम नजर आती हो। मैं उससे मैं
तो ये भी समझ में नहीं आता माँ, मैं चीन जाऊं या ना जाऊं। लो चिरंजीव तो यहां मौजूद है। क्यों बेटा, माँ से बातें हो रही हैं? जा। देखो बेटा, हुकमदास जी का कहना है कि चीन जाने से पहले तुम्हारी शादी हो जाए तो अच्छा है। शादी? इतनी भी क्या जल्दी है पिताजी? जल्दी क्यों नहीं है छोटे मालिक, कौन जाने आप चीन से कोई चीनी गुड़िया ले आए तो। तुम चुप रहो मुनीम जी। देखो बेटा, अगर आज तुम्हारी माँ होती तो इस शुभ कार्य का बोझ मुझे न उठाना पड़ता। वो भी तुमसे यही कहती कि चीन जाने से पहले तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। शादी का क्या पिताजी, शादी तो जाने से पहले भी हो सकती है, आने के बाद भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। शादी तो एक संजोग है ना पिताजी। अच्छा मैं हुकुमदास जी के यहाँ होकर आता हूँ। लो भाई, शादी कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, और फिर भी चंचल देवी के घर जाने की इतनी जल्दी? तुम क्या जानो बेवकूफ कहीं के। नालायक, बदतमीज, इडियट, निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से, निकलो। शेखर, तुम कब आए? बस अभी आया। देखो ना, ठंडी चाय ले आया था, भला मैं कैसे पीती हूँ? कैसे पीती हूँ? जंगली गवार, इडियट, फूल। खैर जाने दो। अच्छा ये बताओ, तुम हमारे कॉलेज में मेरा डांस देखने क्यों नहीं आए? क्या बताऊं कि फुर्सत नहीं मिली। आ हा हा हा, जैसे मैं जानती ही नहीं। और क्लब जाने की फुर्सत कैसे मिल गई? देखो शेखर, अगर आइंदा तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये तो मैं जानता हूँ, अब मैं जाऊँ? नहीं नहीं, खाना यही खाकर जाना होगा। नहीं फिर आऊंगा। नहीं, 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 नहीं शेखर, तुम्हें मेरी खीर खिलवाओगी? क्यों नहीं, और उसमें बादाम भी डलवाऊंगी। तो जाओ चाची से को जल्दी कर। अभी लो। मम्मी, शेखर बाबू आए हैं और आज वो खाना यही खाएंगे। जल्दी से खीर पकवा दो ढेर सारे बादाम डालकर। हाँ हाँ, बादाम क्यों, पिस्ता भी डालेंगे उसके लिए। मैं पूछती हूँ, तू उसे देखकर बुलबुले की तरह फूल क्यों जाती है? फूल क्यों ना जाए, एक दिन दोनों एक हो जाएंगे। तुम चुप रहो जी, मैं अपनी लाडली को उस नर्क में नहीं झोंकने दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ ये दो ही रहेंगे। भगवान, जरा आहिस्ता बोल। तो क्या मैं ऊंचा बोल रही हूँ? जब देखो जरा आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल, दिन ब दिन जबान लंबी होती जा रही। मम्मी तुम भी बड़ी वो हो। शेखर, शेखर बाबू, शेखर, शेखर बाबू कहाँ चले गए? खोला ये चिट्ठी दे गए बेबी जी। तुमने उसे जाने क्यों दिया? बदतमीज, नालायक, इडियट, क्या चिट्ठी देकर चले गए? अजी जी, तुम्हें कुछ पता भी है? नहीं तो। अपना गणेश कुदरती इलाज वाले आश्रम में है। अच्छा? हाँ, तुम्हारे शेखर ने उसे देखा। अच्छा, तो मैं अभी जाकर उसे ले आता हूँ। बड़े आए जाने वाले, तुम क्या लाओगे? मैं जाऊँगा। अरे भगवान, तुम न जाना, वो पहले ही तुमसे डरता है, कहीं वहाँ से भी न भाग जाए। मैं उसे भागने दूंगी तब ना। तुम जाओ और जाकर अपना कोना संभालो, लिखो राम नाम। लाजो, हम दोनों साथ जाए तो क्या हर्ज? क्या कहा? आहिस्ता बोल जरा। तो मैं क्या ऊंचा बोल रही हूँ? जब देखो जरा आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल, दिन ब दिन जबान लंबी हो। कोई अच्छा सा पढ़ा लिखा वर मिल जाए तो तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। क्यों बिटिया? इससे क्या पूछते हो रामचरण, तुम्हारी बात इसने कभी टाली है? ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव, बिना माँ की बच्ची को पाल पोस कर इतना बड़ा किया और फिर उसे पढ़ाया लिखाया। शारदा बड़ी गुणवती है, जिस घर में जाएगी उस घर के भाग खुल जाएंगे। गुरुदेव, गणेश को ढूंढते हुए कोई आए हैं, आपके कमरे में बिठा है। चलो मैं आता हूँ और गणेश को भेज दो। ये बहुत अच्छा। अच्छा रामचरण, नमस्ते। 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 कहिए कैसे आना हुआ? जी हमारे छोटे बाबू अर्थात। तुम चुप रहो पुरोहित, मैं बात करूंगी। हाँ देखिए, मेरा लड़का गणेश यहाँ भाग कर आया है। आपने मुझसे पूछे बिना उसे यहाँ क्यों भर्ती किया? किसने भर्ती किया? वो तो खुद आया था इलाज सीखने। खुद आया था तो जरा उसे बुलवाइए, मैं आपके सामने पूछती हूँ। गुरुदेव, 8 नंबर और 9 नंबर का कमरा खाली है, अगर आप चाहे तो इन दोनों मरीजों को वहाँ रख सकते हो। अरे गणेश इधर आओ। क्या बात है? गुरुदेव आप मेरी माँ को नहीं जानते, यह काली का दूसरा रूप है। क्या कहा मुंह है? आते खान कहिए। गणेश, झूठ बोलकर यहाँ भर्ती होना एक अपराध, अपनी माता का कहना न मानना दूसरा अपराध। जाओ इनके साथ। गुरुदेव मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है,
माता जी से कहिए कि अपने आश्रम में रहकर 21 दिन तक उपवास रखे और 6 महीने तक उबली हुई भाजी खाए ताकि इसका गुस्सा जरा ठंडा हो जाए। उपवास रखे मेरे दुश्मन, तेरे लिए क्या भूखी मरूंगी? ठहरिए माँ, सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। ठहरिए ठहरिए गणेश, मेरा कहा मानो, इस समय तुम इनके साथ जाओ और अगर आना हो तो इनकी आज्ञा लेकर आना। गुरुदेव मेरी बात मानिए, सुनिए गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ चला, कहाँ चला? छोड़ माँ, नहीं छोड़ूंगी। अरे माँ, छोड़ूंगी क्या? तेरी जान निकल जाए, नहीं छोड़ूंगी। अरे अरे, मेरा मेरा घर सुधार नाटक माँ, मेरे कपड़े। अरे माँ, अरे माँ, वो बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू। अच्छा अच्छा, तू मुझे चकमा देकर भागना चाहता है? काम आपके लायक जाएगा। अरे छोड़ दी, पकड़ो छोटे बाबू। अरे आज बात बात नहीं, छोटे बाबू। अरे फिर भी जाइए। अरे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, छोटे बाबू, तुमने बात सुनी है? नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते, कैसे हो? अच्छा जी, ये क्या लाया? फल लाया हूँ गुरुदेव। अच्छा, शारदा को दे देना, मैं अभी आता हूं। चलो चलो। आप कब आए? बस अभी अभी आया, आप ही के बारे में सोच रहा था और आप आ गए। मेरे बारे में सोच रहे थे? जी हाँ, क्या करूं, बस आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ। जागता हूँ तो आपके बारे में सोचता हूँ, सोता हूँ तो आपके बारे में सोचता हूँ, बस आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता। अब आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता? मुझे क्या मालूम? आपको नहीं मालूम? ये सब क्या है? फल आपके लिए लाया हूं, गुरुदेव के लिए लाया हूं, यहाँ यहाँ के लिए लाया हूं, यहाँ के लिए लाया हूं। उन्होंने कहा आपको दे दूं। अच्छा तो मैं उठा लेती हूं। नहीं 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 नहीं, गुरुदेव ने कहा कि मैं अपने हाथों से उठाकर खुद आपके कमरे तक पहुंचा दूं। आप उठाएंगे? हाँ, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कहीं तो छोटी उंगली से उठा दूं। उठाइए। लालचंद, हाथ दुखने लगे? आप कभी सच भी बोलते हैं? कभी कभी बोलता। मैंने तो कभी नहीं सुना, अभी अभी जो आपने इतना बड़ा झूठ बोला। कौन सा? यही कि मैं दिन रात आपके बारे में सोचता हूँ, वो झूठ नहीं। ये हाथों की बात झूठ हो सकती है, लेकिन वो तो दिल की बात है, और दिल की बात में झूठ कहाँ। झूठ हर हाल में बुरा है। तो लीजिए, आज से झूठ बोलना भी बंद। अब तो खुश नहीं। आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों? तो आप अपने दोस्त से मिलने नहीं जाएंगे? वो अगर आप कहती हैं तो जाता हूं। बाय बाय। मुझे बुलाया शारदा भाई? हाँ, देखो ये फल ले जाकर रोगियों में बांट दो। जी। ये शारदा देवी की छाया तुझ पर भी पड़ गई है। हंसने की बात नहीं मोहन, शारदा देवी तो सचमुच की देवी, उनके सामने तो आदमी से ना कहे नहीं बनती। मेरी तरफ देखो ना, पहले सिगरेट पीना छोड़ दिया, अब झूठ ना बोलने का वचन दे दो। वचन दिए ही है, ये लिए भी है। अबे उल्लू, देवी देवताओं से वचन लिए नहीं जाते, उनके सामने तो हाथ जोड़कर सर झुकाकर झोली फैलाई जाती है, समझे? आपको मेरी तारीफ के सिवा और कोई काम नहीं? वो ये ना, ये सुनिए। शेखर, शेखर, ये मेरी बहन है सुंदरी। नमस्ते जी। नमस्ते। आपने मेरे भैया की मदद की, उसका शुक्रिया। इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है, तो मेरा फर्ज था। भैया, अब तो आपके दोस्त भी आ गए, क्यों ना हम आज ही चले? शेखर, क्या इरादा तुम्हारा? मेरा मैं कल जाऊंगा। हाँ,
ये क्यों जाने लगे? मगर भैया हम तो आज ही जाएंगे। अभी अभी जो आपने श्लोक पढ़ा उसका अर्थ नहीं समझ पाया, जरा समझा दीजिए ना। आप तो बड़ी ज्ञानी ध्यानी विद्वान हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, दूसरों से कहती हूँ झूठ मत बोलो, और खुद बोलने लगी। समझा दीजिए। तो सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो आदमी न किसी से नफरत करता है और न किसी चीज की इच्छा, दुख और सुख दोनों को बराबर समझता है, संसार के काम करते हुए भी संसार के बंधनों में नहीं फंसता, ऐसा आदमी संसार में रहते हुए भी सच्चा सन्यासी है। तो इसका मतलब है आदमी शादी कर सकता? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा बताइए, लड़की कैसी होनी चाहिए? जो भारतीय नारी का धर्म जानती हो, पढ़ी लिखी, रूपवती और गुणवती हो। बिल्कुल ऐसी लड़की ढूंढ ली है मैंने। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? कर तो लूं, लेकिन अभी पूछा नहीं उससे। पूछ देखिए। आप मुझसे शादी करेंगे? मुझसे कोई भूल हुई? नहीं। तो फिर शादी ब्याह तो संजोग की बात है, दो इंसानों की मर्जी का खेल नहीं। और फिर हमारे बुजुर्ग भी तो हैं, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी आज्ञा भी तो लेनी चाहिए। मैं चीन से वापस आकर तुम्हारे पिताजी से मिलूं। आप पहले हो तो आइए, मेरा इंतजार करोगे? ये लीजिए भगवत गीता, इसे हमेशा अपने पास रखिएगा, कभी कभी पढ़िएगा भी। और देखिए अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों की तरह शरारती मत कीजिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा मेरे। दिन हो गए, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कुछ दिन और नहीं रुक सकती मुनीन जी, तुम ही ने समझाओ ना। मालिक, जाने के लिए कहता हूँ तो भी मुश्किल, और ना जाने के लिए कहता हूँ तो भी मुश्किल। जाती हैं तो ये घर चौपट होता है, और नहीं जाती हैं तो वहाँ गुरुदेव को कष्ट होता है। समझ में नहीं आता, आप ही कुछ समझाइए ना। अब मैं इन्हें क्या समझाऊं, हमारे घर की हालत इनसे छुपी नहीं है। कहिए तो गुरुदेव को चिट्ठी लिख दूं। नहीं नहीं, जरूरत हुई तो मैं फिर आ जाऊंगी। नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटी, रोती क्यों हो? हाँ माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भी ले चलो माँ। तुम लोगों को कैसे ले जाऊँ, तुम तो यहीं रहोगे अपने पिताजी के पास। तो तुम भी रह जाओ ना माँ। हाँ माँ, रह जाओ। तुमने तो वादा किया था कि मेरा कहा मानोगे। सुनो सुनो सुनो, मैं जाके वापस आ जाऊंगी। अब हंसो 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 हंसो। हाँ अब ठीक है। तुमने जो कुछ हमारे लिए किया है उसका बदला मैं कैसे चुका सकता हूँ? हमारी इस बच्ची को, इसका जीना जीना बराबर था, तुमने एक नया जन्म दिया है। मुसीबतों से घिरे इस घर की काया ही पलटती है तुमने। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। एहसान कैसा, मैंने तो अपने धर्म का पालन किया। अच्छा नमस्ते। नमस्ते।
मालिक, रामचरण की बेटी बहुत अच्छी है। हाँ मुनीम जी। तो सिर्फ हाँ कहने से तो काम नहीं चलता मालिक, सच कहता हूँ उन्हें हमेशा के लिए इस घर में आ जाना चाहिए। ये क्या कह रहे हो? आप सिर्फ हाँ कह दीजिए, रामचरण को राजी करना मेरा काम है। बको मत। मालिक को मनाना मेरा काम है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। रामचरण, कहने को बच्चे तो तुम्हारी बेटी को माँ ही समझते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो मुनीम जी? कहाँ मालिक, कहाँ हम? तुम अपनी गरीबी का ख्याल ना करो रामचरण, धन से गुण कहीं बड़ा होता है। और रामचरण, इस रिश्ते को मंजूर करके तुम एक बर्बाद होते हुए घराने को बचा सकते हो। रामचरण, रामचरण फिर ये तुम्हारा फर्ज भी तो है, मान जाओ, मान जाओ रामचरण। बिटिया, घराना अच्छा है, काशीराम जी बड़े नेक आदमी हैं, बच्चे बाले तो तुमसे घुल मिल ही गए हैं, दौलत होगी, आदर होगा, मान होगा, और क्या चाहिए। और हाँ बिटिया, ये न भूलो कि आज जो हम अपने पांव पर खड़े हैं वो भी उन्हीं की दया से हैं। इतना ही नहीं, तुम एक बर्बाद होते हुए घराने को भी संभाल लोगी बिटिया। गुरुदेव, आप भी कुछ कहिए ना। शारदा खुद समझदार है रामचरण, अपना कर्तव्य खुद समझती है, और मानव सेवा तो इसका धर्म है। उठना, बैठना, चलना मना किया, तुम फिर मना नहीं हुआ। लेटे थे, थक गया था। बस आठ दिन का बात, रोज का एक पट्टी, आठ दिन आठ पट्टी, उसके बाद बैठना है, उठना है, चलना है। आपने मुझे दूसरा जीवन दिया, मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसान नहीं भूलूंगा। इंसान है एहसान नहीं, भगवान है एहसान। अब मुझे जाना चाहिए, सफर बहुत लंबा है। नहीं, आज तुम ना जा, रात को हमारा बेटा शादी, खाना, गाना, नाच। बाजू नाजू का चोरे लोई चोरे बाजू नाजू चोरे बाजू नाजू है, धोखा प्रीत तो है ये बड़ी मुई।
बाजू रे बाजू नाजू काजू रे लुई लुई जिमे है लागी मेरे नैनवा की सुई जुरे बाजू नाजू साजू रे लुई लुई दिल में है लागी मेरे नैनवा की सुई देवता देवता आशीर्वाद मुबारक हो भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे तुम शादी होगी घर पहुंचते ही होगी बड़ी अच्छी लड़की है देवी समान मालिक मालिक आश्रम से गुरुदेव की चिट्ठी आई है रामनवमी के उत्सव का उन्होंने आप सबको बुलावा भेजा है शारदा मैं तो जा नहीं सकूंगा तुम जरूर जाना मैं कैसे जा सकती हूँ बच्चों का इम्तिहान सरते हैं बच्चों का ख्याल तुम न करो इतना सुधार दिया है कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं तुम जरूर जाना बहुत अच्छा मालिक 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 क्या है क्यों चिल्ला रहे मालिक आज मालूम हुआ है कि भगवान है और जो उस पर विश्वास करता है वो उसे निराश नहीं करते आखिर बात क्या है ये तो बताओ बड़ी जानदार खबर है मालिक छोटे मालिक आ रहे हैं क्या कहा चिरंजीव कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए पागल ये तार देखिए मालिक मैं पागल हो सकता हूँ डाक खाने वाले तो पागल नहीं हो सकते पागल तो मैं हो गया हूँ काम में उनका जहाज तो बर्बाद हो गया लेकिन वो बच गए मालिक तुम फौरन जाकर चिरंजीव के कमरे की सफाई करवा दो और देखो बस 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 आगे मैं समझ गया मैं पहले ये खुशखबरी मालकिन को आश्रम में सुनाता हूँ जाकर नहीं 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 मुनि जी नहीं तुम मत जाओ उसका समाप्त होने पर मालकिन खुद घर आएगी ये खुशखबरी मैं उसको सुनाऊंगा अरे भीकू सुनो 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 भीकू
नमस्ते शेखर बाबू। नमस्ते। आप कब आए? मैं अभी अभी आया। सुनो भीकू, शारदा देवी कहाँ है? मंदिर में है, अभी कल ही आई है ससुराल से। ससुराल से? हाँ शेखर बाबू, शारदा बहन के तो बाग जाग उठे। जमीने हैं, मकान है, दौलत है, मान है, राज करती है, बहुत बड़े घर में शादी हुई। बहन जरा ये प्रसाद बांट देना। शेखर, भगवान की कृपा से तुम जिंदा लौट आए। इसे तो अच्छा होता कि मैं मर जाता। ऐसा ना कहो शेखर, ऐसा ना कहो। तो क्या कहूं? बधाई हो, मुझे बहुत खुशी है तुम्हारी मांग में सिंदूर देखकर। मैं पूछता हूं, तुमसे चार दिन इंतजार ना हो सका? दुल्हन बनने का बहुत शौक था तुम्हें। ओह, वो शौक तो तुमने क्यों किया, ये क्यों किया? मैंने अपने धर्म का पालन किया। अपने धर्म का पालन करने के लिए मेरे प्रेम की आहुति देनी थी? तुम्हारे मरने की खबर सुनकर मैंने वही किया जो मेरे बाबा ने मुझसे कहा। मगर ये तुमने कैसे मान लिया कि मैं मर गया हूं? ये तुमने कैसे जान लिया कि तुम्हारा प्यार मर गया है? कि तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? किया है। पर अब नहीं करती? करती। तो फिर ये सब क्या है? ये मांग में सिंदूर, ये हाथों में मेहंदी, ये सुहाग की चूड़ियां? मेरा कर्तव्य। कर्तव्य? और तुम्हारा प्रेम? प्रेम? प्रेम का ये मतलब तो नहीं कि हम जिसे प्यार करें उससे शादी भी हो। प्रेम तो हम माँ से भी करते हैं, बाप से भी, बच्चों से, भगवान से। प्रेम स्वार्थ नहीं शेखर, बलिदान है। और शादी? संजोग। और संजोग के सामने कोई क्या कर सकता? अच्छा हो शेखर, तुम भी शादी कर लो और मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? भूल जाओ कि हम दोनों कभी मिले थे, मिलकर एक दूसरे के हो गए थे? भूल जाओ कि मैंने तुमसे प्यार किया? भूल जाओ कि मैंने तुम्हें चाहा है, महसूस किया है? मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता। तुम भूल सकती हो? मैं नहीं भूल सकता। शेखर, शेखर अपनी जिंदगी में इस तरह जहर ना खोलो। मैं अपनी ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी में भी जहर खोल दूंगा। जैसे तुमने मुझे तबाह किया है, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। भी जाएगी मेरी नाकाम मोहब्बत साए की तरह तेरा पीछा करेगी। मेरी बर्बादी के साथ उस घर की भी तबाही होगी जहां किसी बहरहम ने मेरे दिल के खून से अपनी रातों के दिए जलाए। नहीं शेखर, तुम मुझे जो जी चाहेगी मेरे स्वामी का नाम मत। स्वामी? वो आदमी नहीं, वो आदमी नहीं, वो हत्यारा है। नहीं, मेरा देवता है। देवता नहीं, राक्षस है। शेखर, शेखर, मैं भगवान का वास्ता देके कहती हूँ, मेरे सुहाग को गाली मिली। सुहाग? 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 जैसी तू वैसे तेरा सुहाग। नहीं, नहीं, शेखर, 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 मेरे सुहाग को गाली मत दो। शेखर, जैसी तू
जैसा तेरा सुहाग। रेडी मक्कार चाइबाज। तुमने स्त्री के सुहाग को गाली देकर भारतीय नारी का धर्म को ललकारा था शेखर। मुझे माफ करना, माफ करना। शेखर से तेरी शादी हो लेने दे, तेरे कान नहीं उसे खिंचवाया तो मेरा नाम गणेश नहीं। अच्छा हाँ। ये बात है हाँ। ठहर तो जरा मम्मी। मम्मी को मत पुकार नहीं तो वो धनाती हुई आ जाएगी फ्रंटियर मेल की तरह। क्या कहा? मम्मी फ्रंटियर मेल है। मम्मी मम्मी होल्ड ऑन होल्ड ऑन। मम्मी को मत पुकार भगवान के लिए। क्या है रे? कौन है बे? अरे मम्मी
इसे क्यों सता रखा है? मम्मी भैया कह रहे थे, भैया कह रहे भैया मुझे बहुत तंग करते हैं। बस इतना ही माँ, इतना ही। इतना ही नहीं मम्मी, भैया कह रहे थे कि तुम के... बस बस माँ इतना ही मम्मी इतना। अरे ये इतना उतना क्या लगा रखा है, तुझे और कोई काम धंधा नहीं? क्या कहा, मुझे और काम धंधा नहीं? हे भगवान, हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अरे ये क्या नाटक लगा रखा है तूने? नाटक माँ, मेरा नाटक तैयार हो गया है गाने के साथ, और उसका नाम है घर सुधार। एक ही शो काफी है माँ, एक ही शो। बकरी शेर बन जाएगी और शेर बकरी बन जाएगा, और तू गलेगा गदाई रह जाएगा। हाँ शारदा, तार आया है, बस मेरा चिरंजीव आता ही होगा। बहुत दिनों के बाद उसके कमरे को खुलवा कर उसकी सफाई करवाई है। आओ आओ चलो देखो। मालिक, जब से मालिक ने इस घर में पांव रखा है, इस घर के भाग जाग उठे। तुम चुप रहो जी, तुम इतना भी नहीं जानते कि मालिक अपनी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं करते। जाओ जाओ बच्चों को लेके आओ। आओ शारदा आओ। तुमने ये कमरा तो इससे पहले कभी देखा ही नहीं, कमरे वाला आ जाए तो फिर देखना इसकी रौनक। और ये रहा हमारा चिरंजीव। हाँ हाँ चिरंजीव, मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा। वैसे तो इसका नाम शेखर है, पर प्यार से हम इसे चिरंजीव कहते हैं। बीए फर्स्ट क्लास में पास किया है, बड़ा नेक और होशियार लड़का है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा जीवन सफल हो गया, शेखर जैसा बेटा मिला और आप जैसा पति। मेरे अहोभाग के जो मुझे इन चरणों में शरण मिली। मालिक आ गए। सुनो, चिरंजीव आ गया। चिरंजीव बेटा, चिरंजीव। बापू बेटा, मेरे गले लग जाओ बेटा। गिरलाल बेटा, तू जिंदा लौट आए, तुम्हें नई जिंदगी मिल गई। अब हमारे भाग जाग उठे हैं बेटा, तुम्हारे भाई बहन सुधर गए हैं और बेबी का पांव भी ठीक हो गया है। जानते हो ये सब कुछ किसकी बदौलत हुआ है बेटा? जानता हूँ बापू, मुझे मुनीम जी ने सब कुछ बताया। तो आओ बेटा, आओ अपनी माँ के दर्शन करो, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलो बेटा आओ। जाओ अपनी माँ के चरण छुओ, शारदा अपने बेटे को आशीर्वाद दो। कैसे कहूं?
मालिक। क्या है? क्या बताओ मालिक? ओहो, कुछ तो बताओ मालिक। छोटे मालिक। छोटे मालिक ने क्या किया? वो शराब पीने लगे हैं मालिक। क्या कहा? शराब पीने लगा है चिरंजीव? और शराब, ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा दिमाग घूम गया है। नहीं मालिक, मेरे दोस्त की चिट्ठी आई है। वो ऐसी वैसी बात कभी नहीं लिख सकता। लेकिन उसे ये लत लगी कैसे? शारदा, सुना तुमने? अब वो शराब पीने लगा है। उसने जितने रुपए मंगवाया तुमने भिजवा दिए। खुद तो बर्बाद होगा ही, खानदान का नाम। आप धीरज रखिए मुनीम जी। जी, आप जाकर चरणजीत को फौरन यहाँ ले आइए। जी बहुत अच्छा, लेकिन मालकिन ऐसी हालत में क्या वो मेरे साथ आएंगे? कहिएगा मैंने बुलाया है। जी बहुत अच्छा। दुनिया ने तो मुझको छोड़ दिया, खूब किया, अरे खूब किया। बोतल की तरफ मुंह मोड़ दिया, बोतल की तरफ मुंह मोड़ दिया, खूब किया, अरे खूब किया। वो घड़ियां ख्वाब की घड़ियां थी, मैं जिन घड़ियों में जागा था। दुनिया की खुशी एक साया थी, दुनिया की खुशी एक साया थी। मैं भागा था, मैं जिसकी लगन भागा था। पाँवों को जो मेरे तोड़ दिया, खूब किया, अरे खूब किया। बोतल की तरफ मुंह मोड़ दिया, खूब किया, अरे खूब किया। क्या जाएगी तो है। मैं इधर ढूंढता हूँ और तुम वहां छुपती है, मुझसे दूर भागती है। जब मुझसे जमाना दूर हुआ, जब मुझसे जमाना दूर हुआ, बोतल ने कहा। बताऊं क्या था? नहीं बता। अच्छा बता। हर दर्द के मारे को एक दिन पड़ती है जरूरत तो मेरी, पड़ती है जरूरत तो मेरी। टूटे हुए दिल को जोड़ दिया, खूब किया, अरे खूब किया। दुनिया ने तो मुझको छोड़ दिया, खूब किया, अरे ये खूब किया। ये भी दगा दे। कौन दगा देगी प्यारे? ये पूछो किसने दगा नहीं दिया। अरे बंदोबस्त तो बहुत हो सकता है प्यारे, मगर नकद नारायण कहाँ है? गिलास खाली, बोतल खाली, जेब खाली, सिवाय इसके बहुत खराब है। ज्यादा रोज तो रोज कौन है भाई? मोहन जाकर दरवाजा खोल। मैं बोल नहीं, तुम बोल। मैं बोल वाकई मैं बोल। मैं हूँ प्यार। अरे
मैं आइए तशरीफ लाइए। दरवाजा खोलिए साहब। अरे भाई दरवाजा तो खुला है, तुम अंदर आओ ना। अरे भाई ये मना का जा नहीं है। अरे बेवकूफ, ये दरवाजा नहीं है तो क्या है? अलमारी। अलमारी सही बात। आप बोलता हूँ मैं दरवाजा कर जाओ। हाँ भाई तशरीफ लाओ। मगर हुजूर खिड़की से अंदर कैसे आऊं? खिड़की? अरे तेरे भी दरवाजा कहाँ है? छोटे मालिक। जी हाँ छोटे मालिक, मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए घर चलिए। घर? हाँ मालिक। कौन सा घर? इसका घर? मेरा कोई घर नहीं। ऐसा ना कहिए छोटे मालिक, माँ जी ने आपको बुलाया है। छोटे मालिक को क्या हो गया है? उनको दौरा पड़ गया है। दौरा? मुनीम जी बड़ी खतरनाक बीमारी है, डॉक्टर ने नुस्खा लिख दिया है, बड़ी अच्छी दवा है, मगर क्या करूं भाई, अपने पल्ले पैसे ही नहीं है। हमारे पास पैसे हैं? हाँ लाओ। ये लो 5 रुपए से काम चल जाएगा। मुनीम जी इससे तो देसी दवा भी नहीं आती, ये तो अंग्रेजी है। अरे करो सब पैसे दे दो, मैं उसको ठीक करके घर भेज दूंगा। है? अच्छा तो जरूर भेज देना। हाँ तुम जाओ, मैं भेज दूंगा। बाबा जाओ ना, और देखो रात का वक्त है, ओस पड़ रही है, छाता खोल रहा। ठीक है माल आइए भाई, नगन नारायण। अपने कहीं बाबूजी को मालूम पड़ गया कि मैं नाटक में काम कर रही हूँ तो बहुत बुरा होगा, मुझे डर लगता है। डर? अरे डर तो सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का पद्मा, इसीलिए तो मैं ये महान नाटक खेल रहा हूँ, घर सुधार नाटक। इससे मेरा घर सुधरेगा, मेरे डैडी सुधरेंगे, समाज सुधरेगा और सारा संसार सुधरेगा। पद्मा इस सुधार के काम में तुम मेरा हाथ नहीं बटाओगी? मैं तो तैयार हूँ, मगर डर लगता है कहीं बाबूजी इससे पहले मेरा सुधार न कर दे। ओ तुम क्यों घबराती हो, ये नाटक तुम्हारे बाबूजी को भी सुधार देगा। हा? आओ जल्दी जल्दी अपन रिहर्सल शुरू कर दे। सीन है ना उस्ताद? उस्ताद हीरोइन का बाप आ गया। अरे अपने नाटक में हीरोइन का बाप कहाँ है? क्या कहा? कौन है बे? ए, तुम्हारा बाबूजी। क्यों तू फिर इस बदमाश के चक्कर में आ गई? अबे होल्ड ऑन के बच्चे, होल्ड ऑन नहीं, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन तो बिस्तर होता है गोल गोल। अगर तूने फिर मेरी बेटी को भहकाया मैं तुझे भी गोलमाल कर दूंगा। उस्ताद हीरोइन तो गई, अब अपने नाटक का क्या होगा? होल्ड ऑन, नाटक होगा होगा होगा। नमस्कार। मुनीम जी वो रुपए थे ना, रुपए खत्म हो गए, अभी और तो और रुपया। छोटे मालिक मेरे पास तो कुटी कौड़ी भी नहीं है। कुटी कौड़ी भी नहीं? जी कौड़ी नहीं है ना तो रुपया दे दो ना। रुपया? मैं रुपया नहीं दे सकता छोटे मालिक, बड़े मालिक नाराज होंगे। बड़े मालिक नाराज होंगे? सुनो ये चाबी नहीं, चाबी चाबी ये मुझे दे दो, मैं अपने आप निकाल लूंगा रुपया, फिर बड़े मालिक कैसे नाराज होंगे। ठीक है नहीं छोटे मालिक, ये तो फिर वही बात हो गई। जाने दो ना छोटे मालिक। छोटे मालिक, छोटे मालिक नहीं देता, नहीं देता। जान से ऐसा ना करो छोटे मालिक, जान से मैं मर गया तो आपकी मुनीम कौन करेगा? मैं करूंगा, मौन करेगा, कोई भी करेगा, मैं तुम्हें जान से मार तुम्हें चांस मार डालूंगा। चरण जी
चाबियां मुझे दीजिए। लो, ये सब तुम्हारा अपना रुपया है, तुम्हारे पिता की दौलत, जितना चाहो उठा लो, इसमें दंगा करने की क्या जरूरत है? लो, लेते क्यों नहीं? इसलिए तुम्हें घर से दूर भागना पड़ता है। अगर तुम्हें यह जहरी अमृत लगता है तो इसे यहां बैठ कर पियो, यहां भी तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इतना याद रखो कि इस घर में तीन बच्चे और भी हैं, तुमसे छोटे, जो बड़ा करेगा वही छोटे भी सीखेंगे। आगे तुम खुद समझदार हो, जो जी चाहे करो। सिर्फ न फेंक, जालिम शराब है, अरे जालिम शराब है, न फेंक मेरे भाई, क्या जालिम जुबान होश से ये कुफ्र सलग हो नहीं सकता। मैं कैसे बिन पिए ले लूं, खुदा का नाम है ताकि जी 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 जी। अरे यार ये क्या गजब कर दिया है, भूल गए कितनी मुश्किल से मिली थी। कोई बात नहीं है, उड़ो उड़ो, अरे उड़ो। ये कहाँ से मिले? देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, ये देवी की देन है। देवी की देन? सोच क्या रहा है, जल्दी चल यार, नहीं तो मिलेगी नहीं कहीं से भी। मिल भी गई तो क्या होगा? रोती आंखों में हंसी आ जाएगी है? और बुझा हुआ दिल चमक उठेगा। और जब खत्म हो जाएगी तब क्या होगा? तब खाक होगा, तब फिर बताऊंगा यार। तू चल तो सही, पहले एक घूंट अंदर तो जाने दे। चल चल चल, आउट उठ। और अरे हाँ यार उठना। बैठिए ना डैडी, आप डरते क्यों हैं? अरे आपका डर दूर करने के लिए तो ये नाटक खेल रहा हूँ मैं। इसको देती आप में नहीं ताकत, नया जोश पैदा होगा। डैडी चिड़िया बास को ललकारेगी और खरगोश शेर से टक्कर लेगा। किसी से कहना नहीं है डैडी। टट्टू और नहीं कोई तुझको काम, जब देखो ये पुस्तक लेकर जपता है तू राम नाम। अरे भगवान, नाम राम का लेना तो कोई पाप नहीं है? पकी पकाई देने वाला घर में कोई तेरा बाप नहीं है? भगवान जरा धीरे बोल, अरे भगवान जरा धीरे बोल। क्या मैं ऊंचा बोल रही हूँ? बात बात में वाली
मुझको तोला भर अफियोन, सुख का सांस मिले जो छूटे ये हत्यारी जुम। देख लो ये जोरू का गुलाम, देख लो, देख लो ये जोरू का गुलाम, देख लो, मर तो को करे बदनाम, देख लो, मर तो को करे बदनाम, देख लो, देख लो ये जोरू का गुलाम, देख लो, देख लो ये जोरू का गुलाम, देख लो। दिखाइए, अरे आज तो डट के तोप का मुकाबला कीजिए। बेटा मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। मैं भी कहूँ आज चींटी के पर क्यों निकलाए, आधी रात होने को आई और ये बाप बेटे घर से गायब, जैसे ये घर नहीं नथुराम की सराय है। अब बोलते क्यों नहीं, सांप ने सूंघ लिया है क्या? बेटा बेटा तू ही कुछ बोल ना। डैडी आप ही बोलिए।
अरे भगवान, बात यह है कि हम दोनों जरा नाटक देखने गए थे। क्या कहा? नाटक? लो और सुनो, ये भी सींग लगाकर चले बछड़ों में मिलने। ठहरो, मैं दिखाती हूँ नाटक तुम्हें। चलो 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 बाहर यहाँ से, बाहर जाके सो। चलो माँ माँ, कसूर मेरा है, मुझे सजा मिलनी चाहिए। डैडी को यही सोने दो और मैं बाहर जाके सोता हूँ। नहीं बेटा, तू भी यहीं सो, मैं और तुम। मैं और तुम कुछ नहीं, चलो बाहर, चलो बाहर। बात तो सुनो माँ। मैं कहती हूँ चलो बाहर। माँ चलो बाहर, माँ चलो बाहर, चलो। अरे माँ मेरी बात तो सुनो। अरे डैडी को बाहर बहुत सर्दी लगेगी। सर्दी लगेगी, डैडी को भूख लगेगी, भूख लगेगी, भूख लगेगी, सर्दी लगेगी। नाटक वालों ने रोटी कपड़े का इंतजाम नहीं किया था। जब हमारे सामने से हट जाना चाहिए। शेखर माफ कर दो इसको, अरे ये मर जाए तो इस बेचारे की मां रोएगी। ये क्या पागलपन है? कुछ नहीं, कुछ तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं जानते मुझ पे क्या बीत रही। अरे मैं सब कुछ जानता हूँ। देखो, तुम एक बार शारदा देवी को माँ कह दो। यही तो एक शब्द में नहीं कह सकता। अरे यही तो एक शब्द है जिसमें तेरा उद्धार है। नहीं नहीं, इसी शब्द में मेरी मौत। मैं उसे मां नहीं कह सकता, मैं उसे मां नहीं कह सकता। अगल है कौन है? अरे क्यों दरवाजे को तबला बना रहे हो भाई? खोल तो रहा हूँ। आओ आओ। ओ इंस्पेक्टर राव है भाई, पुलिस है। ओ तो तू इन लोगों को सप्लाई करता था? इंस्पेक्टर राव, ये मैंने 7 दिन से इसकी सूरत नहीं देखी है। क्यों भाई, कहाँ रहे इतने दिनों? बहुत तकलीफ हुई आपने को। क्यों मिस्टर, पढ़ लिख के आप ही काम करते हैं? डॉक्टर साहब, आदत से मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मालत लिया भाई। पकड़ लो इन दोनों को। पकड़ने की जरूरत नहीं, हम लोग खुद जाते हैं। तुम इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। मिस्टर इधर बेटे को लाने के लिए कहा था, उसे ले आया। बहुत अच्छा किया आपने। ये सब क्या है शामू? सफर की तैयारी है छोटे मालिक। सफर कहाँ? मुझे क्या मालूम छोटे मालिक। गिरीश तुम बताओ। मुझसे बात मत करो। बेबी बेबी बोलो। लक्ष्मी, ये सब क्या हो रहा है? लक्ष्मी हम जा रहे हैं। जा रहे कहाँ? मुझे नहीं मालूम। तुझे मालूम है, बताती क्यों नहीं? मैं बताती हूँ, हम लोग जा रहे हैं ताकि तुम्हें कोई रोकने वाला ना रहे। खुले बंदो जो चाहो करो, शराब पियो, रास्ते बाजारों में खानदान की इज्जत उछालते फिरो। तुम्हें यही सब अच्छा लगता है ना? पर हम भी क्या करें, हमसे देखे नहीं बनता। ये लो। ये क्या? तुम्हारा घर, तुम्हारी दौलत। हाँ, एक बात और, जब तुम्हारे सब अरमान पूरे हो जाएं, तुम्हारी सारी दौलत लुट जाए, तुम्हारे सब दोस्त तुम्हें छोड़ जाएं, और भगवान ना करे कि तुम पर कोई ऐसा वक्त आन पड़े जो तुम्हें कोई पूछने वाला भी ना हो, उस वक्त ये मत भूलना कि दुनिया में तुम्हारी एक माँ है जो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है। क्या करूंगा? तुम एक बार शारदा देवी को माँ कह दो।
यही तो एक शब्द जो मैं नहीं कह सकता मोहन। अरे यही तो एक शब्द है जिसमें तेरा उद्धार है। इसी एक शब्द में मेरी मौत भी। दुनिया में मेरी एक ही माँ है जिसने मुझे जन्म दिया। वो भी तुम्हारी माँ है शेखर, उसने तुझे अपनाया है, उसे रोको शेखर। मेरी माँ थी। वो चली जाएगी तो मैं भी नहीं रहूंगी। माँ गौर से देखो शेखर, तुम्हें उसमें भी मेरा रूप नजर आएगा। उसके सीने में मेरा ही दिल धड़कता है, उसकी आत्मा में मेरी आत्मा घुल मिल गई है। मैं शारदा हूँ शेखर, और शारदा ही तुम्हारी माँ। नहीं, 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 नहीं। देखिए सुनिए, वो घर छोड़ के ना जाइए, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ आज से कभी शराब नहीं पीऊंगा। इतबार कीजिए मेरी बात। शराबी की बात का क्या इतबार? बाबू बाबू भरोसा करो मुझ पर, मैं सच कहता हूँ मैं फिर कभी नहीं पीऊंगा। इन्हें घर से मत जाने दो। चलिए देख क्या रहे हैं, गाड़ी का वक्त हो गया। मत जाओ बाबू, बाबू मत जाओ। गिरीश मुझे छोड़ के मत जाओ। देवी गिरीश देवी मुझे छोड़ के मत जाओ। मत जाइए मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए, मत जाइए। वचन देता हूं आज से जो तुम कहोगी वही करूंगा। मुझे आशीर्वाद दो मां, तो मैं अपने वचन को पालन कर सकूं। बेटा हुकुमदास जी के यहां संदेशा भिजवाइए कि वो शादी की तैयारी करें। मां पिताजी, जो मां कहती है वही कीजिए। मां ने कहा मुझे बहू चाहिए, हमने हाजिर कर दी। आज मां कितनी खुश है। और आप? मां की खुशी मेरी खुशी, ये तो अच्छा हुआ उन्होंने हाँ कर दी, वरना सारी उम्र कमारा रहना पड़ता। आप तो मां के बड़े फर्मा बरदार बेटे हैं। एक बात सुनो चंचल, कभी हंसी में भी मेरी मां की हंसी ना उड़ाना। इस घर में जो उनकी जगह मां कोई नहीं पहुंच सकता, किसी की मजाल जो उनके सामने आंख उठा सके। मैं आपके सामने भी आंख उठाकर नहीं देख सकती। मेरी और बात। क्या बात है आपकी? भगवान आपको पोता दे।
और बेटा तुम्हारी गोद में खेले। अरे सुंदरी, तुम यहाँ कैसे? नमस्ते माता जी। माँ जरा ऊपर आना तो। आती हूँ। क्या यही तुम्हारे पति देव? हाँ, मैं अभी उनसे परिचय कराती हूँ। सुनिए, जरा यहाँ तो आइए। इस वक्त मुझे काम है। आओ ना माँ। बेटिया, तुम ये सब संभाल लेना। चंचल, ये यहाँ कैसे आई? तुम्हें नहीं मालूम? ये मेरी सास है। मेरे ससुर ने दूसरी शादी की है। अच्छा, अब समझी। एक बात तो बताओ, तुम्हारी और तुम्हारे उनकी निपटी तो है ना? क्या बताऊं, ये एक लंबी कहानी है। सोचती हूँ तो दिल भर आता है। तो मैंने जो सोचा था वो ठीक निकला। क्या ठीक निकला? इधर शारदा, इन दो मुट्ठियों में से एक मुट्ठी खोलो। लेकिन ये है क्या? कुछ नहीं माँ, बापू यूं ही जरा ये मालूम हो जाएगा कि बहू के लड़का होगा ये लड़की। अच्छा, लाओ मुझे तो। लो बेटा, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? वही है ना जो मैंने कहा था। क्या लड़का नहीं है? लड़की। चलो क्या हुआ, लक्ष्मी ही तो घर में आ रही है। क्या ये सच है? हाँ चंचल, मैं खुद अपनी आंखों से दोनों को आश्रम में देख चुकी हूँ। अगर अब भी तुम्हारी आंखें ना खुली तो उम्र भर पछताओगी। अच्छा, तो मैं अब चलती हूँ। अरे बहू अकेली खड़ी है, क्या सब औरतें चली गई? हाँ सब चली गई। अच्छा शारदा, मैं शाम को जरा देर से आऊंगा। जी अच्छा। चंचल, मुझे तुम्हारा भेद मालूम हो गया। और मुझे भी तुम्हारा भेद मालूम हो गया है, तुम्हारा, तुम माँ बेटे का। क्या कह रही हो? यही कि इतने दिन से तुम्हारी माँ ने जो ढोंग रचा रखा है उसका मतलब क्या है? तुम जो उसका पल्लू थामे दिन रात माँ माँ कहते रहते हो, उसके पीछे कौन सी चाल? चुप करो चंचल, चुप करो। मैं चुप नहीं रहूंगी। आश्रम में जो कुछ हुआ है मुझे सब मालूम हो गया है। मैं पूछती हूँ, तुम्हारा दिल कहीं और था तो मुझसे शादी क्यों की? जीते जी मेरी सास को मेरे साथ क्यों बनाया? सच्ची बात कितनी कड़वी लगती है, लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होगी, तुम्हारे पिता तक भी पहुंचे। नीच, मेरा बदला उस देवता से लेना चाहती? बदला, इससे पहले मैं तुझे मार क्यों ना दूं? चरणजी, पागल हुए हो क्या? गणपति पर हाथ उठा रहे हो? हट जाओ मां। चरणजी, तुम कौन होती हो दखल देने वाली? हमारे कमरे में तुम्हारा क्या काम? जाओ, चली जाओ यहाँ से। बदतमीज, चलो छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे कमरे में आई, ये मेरी भूल थी बहू, मुझे माफ करना। चरण जी, ये तुम्हारी ज्यादती। तुम नहीं जानती माँ उसने तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ वो तुमसे कितना प्यार करती है। स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, वो जितना प्यार देती है। अच्छी बात है, मैं ही तुमसे बात नहीं करूंगी। इतना ही नहीं, आप इनके सामने भी नहीं आएंगे। नहीं आऊंगी। आप इनकी देखभाल भी नहीं करेंगे। नहीं करूंगी। आप इनके बारे में सोचेंगे भी नहीं। नहीं सोचूंगी। अब आप जा सकती हैं। मुझे खाना वाला नहीं खाना। मैं पूछती हूँ, आखिर ये जिद कब तक रहेगी? आखिरी दम तक। बड़ी ज्यादती है। किसकी, मेरी या तुम्हारी? हाँ हाँ, सारा दोष मेरा है जो तुमको खाने के लिए कहा। अच्छी बात है, माफी चाहती हूँ। गुस्सा जाने दो और खाना खा लो। क्या जो दिया, खाना नहीं खाता? तुम्हारे हाथ का खाना मेरे लिए जहर है। मैं पूछता हूँ, इस घर में क्या हो रहा है?
पति पत्नी का मामला है, खुद निपट लेंगे। क्या हाथ निपट लेंगे, जब से बहू इस घर में आई है रोज झगड़ा होता है, आखिर तुम समझाती क्यों नहीं? दूसरों के समझाने से कई बार बनती बात बिगड़ जाती है। आप जाइए, सब ठीक हो जाएगा। जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया। अगर तुम समझते हो इन बातों से मैं मैके चली जाऊंगी तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही चला जाऊंगा और जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। ये धमकी किसी और को देना, चले भी जाओगे तो क्या होगा, चार दिन में किसी की याद वापस खींच लाएगी। कितनी नीच हो तुम। वो भी बन के दिखा दूंगी, एक दिन ये पोल तुम्हारे पिताजी के सामने भी खुलेगा। क्या कहा? एक बात याद रखो चलचल, जिस दिन उस महान आत्मा के सामने तुम्हारी जबान खुली उस दिन मेरी लाश देखो। मां, मैं ये पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारे बेटे की छाती दुख से फटने लगे तो अपने घाव किसे जाकर दिखाए? मेरे चरंजीव की रक्षा करना। लाजो, लाजो, कहाँ जाती हो? चंचल के घर। क्यों? मेरी बच्ची को नरक में डाल के अब पूछते हो क्यों? जवाई घर छोड़कर भाग गया है, वो बेचारी घबराती होगी, 10-12 दिन के लिए मैं उसके पास रहूं। लाजो, गणेश ने कहता था हमें उनके घरेलू मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। देखो जी, तुम उसकी बातों में ना आना, उसके सर पर पद्मा सवार है, वो जिधर उसकी खोपड़ी घुमाती है उधर ही घूम जाता है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ हाँ, तुम्हें क्या मालूम, जब तुम यहाँ नहीं थे उन दोनों ने मिलकर मुझे और मेरी बच्ची को इतना सताया कि दिल भर आया। ये सच कह रही हो? हाँ हाँ, हाथ कंगन को आरती क्या, अगर यकीन नहीं आता तो ऊपर जाकर खुद देख लो, वो इस वक्त भी महारानी के पांव दबारा होगा। अच्छा तुम यही बैठो, मैं अभी देख के आता। अरे वो काट के उल्लू बीवी के चमचे, ये क्या कर रहा है? अरे बेवकूफ, बीवी के पांव दबाते शर्म नहीं आती? अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल किया होता? माफ करना डैडी, ये नुस्खा तो मैंने आप ही से सीखा है, और यही नहीं मेरे बच्चे मुझसे सीखेंगे, और मेरे बच्चों के बच्चे मेरे बच्चों से सीखेंगे, और मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चे मेरे बच्चों के बच्चे से सीखेंगे, और इसी तरह रग कुल रीत सदा चली जाए। बस बस बेटा, मैं समझ गया, अब मैं इस नुस्खे की धज्जियां उड़ा दूंगा, न रहेगा नुस्खा पास, न होंगे बेटा बीवी के पास। नहीं दादी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। चुप रहो बदतमीज, कहूं कि तुम चंचल के घर नहीं जा सकती, वो दिन गए जब इस घर में तुम्हारा राज था, अब मेरा है, तुमने मेरा ही नाटक दिखा, इसमें गणेश का क्या दोष है? उसने जो मुझे करते देखा वही किया, आखिर वो मेरा बेटा है, मुझ पर जाएगा उसका बेटा उस पर, और उसके बेटे का बेटा उसके बेटे के बेटे पर, इसी तरह मेरे एक की वजह से हमारे खानदान के सब बच्चों का सत्यानाश हो जाएगा, और वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम चंचल के घर नहीं जा सकती। अजी जाओ जाओ, ये गीदड़ भपकिया किसी और को देना, मैं जाती हूँ। ठहरो, रखो ये बैग, उठाओ ये कापी और लिखो राम नाम। नहीं उठाती। नहीं उठाती। नहीं उठाती। नहीं उठाती। नहीं जल्दी उठाओ और लिखो राम नाम। यहाँ नहीं, उस कोने में। वो तो तुम्हारा कोना है। वो दिन गए, अब वो कोना तुम्हारा है। चलो। नहीं जाती। नहीं जाती। नहीं जाती। नहीं जाती। जाती हूँ। जरा ऐसा बोलो। क्या मैं ऊंचा बोल रहा हूँ? जब देखो जरा आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, दिन ब दिन जबान लंबी होती जा रही है। जाओ अंदर। जाती हूँ, जाती हूँ, जाती हूँ। लिखो श्री राम। नहीं लिखती। नहीं लिखती। लिखती हूँ, लिखती हूँ। लिखो श्री राम। अरे पदमा, ये अपने ड्रामे का आखिरी सीन है, जरा सी हिम्मत कर। अब मुझसे कुछ ना होगा, मुझे डर लगता है। डर लगता है तो मुझे भी इस जिंदगी से डर लगता है। यमा, यमा, दूर रखो।
जो कहोगे वही करूंगी। अच्छा तो फिर शुरू हो जाओ। हे पद्मा, तुम दिन भी दिन सर पे चढ़ी जा रही हो, ये कठोर नहीं चलेगा। चलो चलो चलो, बहुत नखरा किया है घर के अंदर। अब ये तुम्हारा नखरा नहीं चलेगा। माँ के पास चलो, चलो। होल्ड ऑन मामा, चलो माँ के चरण छुओ। मुझे माफ कर दो माँ जी, उठो बेटा उठो, जो होना था सो हो गया। मैसेज कर दो माँ जी, ये सब वो। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, ये रोना धोना बंद करो, जाओ जल्दी से चाय बना के लाओ। क्या बेटी, मैं लाती हूँ। तुम कहाँ जाती हो, जाओ अपना कोना पकड़ो, जाओ। बैठ जाओ, लिखो राम श्री राम। होल्ड ऑन डैडी, तुम होल्ड ऑन। आज तक मैं इसका दास था, लेकिन अब ये हुकुम दास की चरण दासी है। आप भूल करते हैं डैडी, न मम्मी आपकी दासी है, न आप मम्मी के दास। वो कैसे? एक कहे दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। डैडी, पति और पत्नी तो गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। जिस तरह दोनों पहिए गाड़ी को उठाकर चलाते हैं, अगर उसी तरह पति और पत्नी दोनों मिलकर घर गृहस्थी का बोझ एक साथ उठाकर आगे बढ़े तो घर स्वर्ग बन जाए। माँ इधर आओ। माँ नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। डैडी जाओ ना। डैडी, डैडी मेरे अच्छे डैडी। लाजो मुझे माफ कर दो। ये क्या कर रही हो, तुमने अभी अभी नहीं सुना गणेश ने क्या कहा? एक कहे दूजे ने मानी, नान कहे दोनों ज्ञानी। आओ आओ लाजो, आओ। अब हमारा घर स्वर्ग हो गया है, स्वर्ग। बेटा ये सब भगवान रामचंद्र की लीला है, जब से उनके दर्शन किए हैं काले बादल छट गए, उजाला फूट पड़ा। आओ बोलो, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। क्यों चिरंजीव का कुछ पता चला? जी नहीं। शारदा तुम इतनी बदल गई हो, पहले जब वो एक वक्त खाना नहीं खाता था तो तुम बेचैन हो जाती थी, अब वो 15 दिन से घर नहीं आया है तो तुम अनजान बनी बैठी हो। आखिर ये सब क्या हो रहा है शारदा? शादी से पहले लड़के की जिम्मेदारी माँ बाप पर होती है और शादी के बाद पत्नी पर। घबराइए नहीं, बहू खुद उसे खुद संभाल लेगी। कैसे संभाल लेगी, जब तक वो यहाँ थे उन्हें मुझसे दूर रखा, हमारा ब्याह करवाया लेकिन हमारा घर न बसने दिया, अब मुझे वो दोष दे रही है। रो मत बहू, तुम माँ बनने वाली हो। बस बस रहने दीजिए, एक तो मेरे पति को मेरा ना होने दिया और अब मुझे से हमदर्दी जताई जा रही है। क्या कहती हो बहू, मैंने तुम्हारे पति को तुम्हारा नहीं दिया। मुझसे क्या पूछती है, अपने दिल से पूछे, उनके ना होने से किसी का क्या जाता है, हर तरह से मेरी ही मौत है। बहुत अच्छा बहू, जिस तरह भी होगा मैं तुम्हारे पति को ढूंढ लाऊंगी। चलिए सफर की तैयारी कीजिए। उसने कुछ बताया कहां जाएगा? मैंने बहुत पूछा लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं उसे जबरदस्ती भी रोक लेता लेकिन मैं खुद बीमार पड़ा, मौत से लड़ रहा था। अब ये लड़ाई बहुत दिन नहीं चलेगी। ऐसा ना कहो भैया, भगवान से कुछ दूर नहीं। मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज ये हालत ना होती मेरी। कोई बात नहीं, आपके दर्शन तो हो गए, मेरा जीवन तो ना सुधर सका लेकिन शेखर को बर्बाद होने से बचाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं शांति से मर जाऊं। भगवान तुम्हें शांति दे।
भैया ये लोग यहाँ क्यों आए थे? शेखर को ढूंढने। शेखर को ढूंढने, इसे सब मालूम होगा शेखर कहाँ है। किसे? शारदा को और किसे? घर में आश्रम वाला नाटक ना चल सका होगा, इसलिए अब नई चाल चली है। सुंदरी, ये कहने से पहले तुम्हारी जबान क्यों ना कट गई? तुमने ये बात किसी और से तो नहीं कही? कही है चंचल से। कभी वो घर छोड़कर भाग गया है? ये तुमने क्या किया है सुंदरी? एक हरे भरे घर में आग लगा दी, और तुम क्या जानो कि शारदा देवी कितनी महान है, कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने। भैया मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे माफ करो। माफी मुझसे नहीं, जाकर उस देवी से मांगो, उस देवी से माफी मांगो जाकर। भैया भैया अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। चाहे जिंदगी से कितना भी भाग रे, चाहे जिंदगी से कितना भी भाग रे, तेरे दिल की बुझेगी ना आग रे, तेरे दिल की बुझेगी ना आग रे। चाहे जिंदगी से कितना भी भाग रे, चाहे जिंदगी से कितना भी भाग रे। मत सोच के तू बेआराम है, ये गम भी खुशी का एक नाम है। मत सोच के तू बेआराम है, यही दर्द है करार, यही दाग है सिंगार, यही दर्द है करार, यही दाग है सिंगार। जरा अखियां तू खोल जरा जाग रे, जरा अखियां तू खोल जरा जाग रे, तेरे दिल की बुझेगी ना आग रे। चाहे जिंदगी से कितना भी भाग रे, चाहे जिंदगी से कितना भी भाग रे। तेरी जुस्त जू तो ख्वाब की है दास्तां, तू ही रास्ता है और तुझी कारवां। तेरी जुस्त जू तो ख्वाब की है दास्तां, ये तलाश है ख्याल, एक वहम का है जाल, ये तलाश है ख्याल, एक वहम का है जाल। झूठे सपनों के पीछे ना भाग रे, झूठे सपनों के पीछे ना भाग रे, तेरे दिल की बुझेगी ना आग रे, तेरे दिल की बुझेगी ना आग रे। चाहे जिंदगी से प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है, मेरे चरणजीव को मुझसे मिला दे। Thank you.
पिताजी क्या हुआ भैया? छोटे मालिक। भैया क्या हुआ भैया? भैया क्या हो गया आपको? पिताजी क्या हो गया? भैया क्या हो गया? भैया क्या हुआ? भैया अब आपको और तकलीफ करने की जरूरत नहीं, मैं उनकी सेवा खुद कर लूंगी। वो बहुत बीमार है बहू, ये मैं भी जानती हूँ। श्यामू जी, तुम जाकर डॉक्टर को बुला ला। इधर क्या देख रहे हो, जाओ। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। अच्छा मां, चला जी। आप अपना वचन भूल रही हैं। मैं तुम्हारे पाप पड़ती हूँ, मुझे उस वचन से मुक्त कर दो बहू, मुझे उस वचन से मुक्त कर दो बहू, मुझे उस वचन से मुक्त कर दो बहू। मुझे क्यों ऐसी सजा मिल रही है? चरणजीत की ये दशा है और मैं उसके पास भी नहीं जा सकती। उसकी सेवा का अधिकार मुझसे क्यों छीन लिया प्रभु, क्यों छीन लिया? अच्छा, मुझे भी सौगंध है इन चरणों की, जब तक मेरा चरणजीव अच्छा ना होगा, ना अन्न छूंगी ना पानी पीऊंगी। शारदा, ये तुमने क्या किया? घोर प्रतिज्ञा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सकूं। भाभी उसके पास है, डॉक्टर देखभाल कर रहे हैं। लेकिन वो तुम्हें बुला रहे हैं माँ। मैं नहीं जा सकती, तुम लोग जाओ उसके पास। तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे माँ। चलो ना माँ। चलो माँ। माँ चलो। माँ चलो। माँ चलो। क्यों तंग कर रहे हो तुम लोग मुझे? कह जो दिया कि मैं नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्या तुम्हारी ये मर्जी है कि वो तुम्हें देखने के लिए तरसता ही रहे? मैं पूछता हूं, आखिर तुम क्यों नहीं जा सकती? जवाब तो शारदा, जवाब क्यों नहीं देती? मैं जा नहीं सकती। क्यों क्यों नहीं जा सकती शारदा? क्यों नहीं जा सकती? बताओ क्या बात है, क्यों नहीं जा सकती शारदा? बोलो तो सही। शारदा, शारदा। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चरणजीव के पास जाइए, चरणजीव के पास जाइए, उसके पास जाइए। पूरी कोशिश कर चुके, आ गया भगवान का सहारा।
माँ भी रो रही है और डॉक्टर कहते हैं भैया नहीं बचेंगे। तुम्हारे भैया को कुछ नहीं होगा, तुम्हारे भैया जरूर बचेंगे, जरूर बचेंगे। अब क्या बचेगा? इधर तुम जान देने पर तुली हो, उधर वो दम तोड़ रहा है। नहीं, मेरे चिरंजीव को कुछ नहीं होगा। अब बाकी ही क्या रहा है? सांस उखड़ चुकी है, होंठ हिलते नहीं, मगर आंखें दरवाजे पर लगी हैं। वो अभी तक तुम्हारे आने की राह देख रहा है। शारदा, मेरा चिरंजीव जरूर बचेगा। शारदा, आप जाइए उसके पास, मेरा चिरंजीव जरूर बचेगा, जरूर बचेगा, जरूर बचेगा। चंचल सुंदरी, चंचल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है, मुझसे बड़ी भूल हुई, जो उस देवी पर झूठा इल्जाम लगाया। गंगा को कह दिया पवित्र है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ चंचल, माँ के पास जाओगे बेटा? क्या ये सच है? हाँ चंचल, भैया ने मरते वक्त मुझे बहुत फटकारा और मुझसे वचन लिया है कि तुमसे माफी मांगू। मुझे माफ कर दो चंचल, मैंने तुम पर बड़ा जुल्म किया। जुल्म तो मैंने किया है, एक माँ से उसका बेटा छीन लिया, अब क्षमा मांगने किस मुंह से जाओ? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा चंचल, जाकर उनके पांव पकड़ लो और अपने सुहाग का दान मांगो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो प्रभु, मेरी प्रार्थना। माँ, माँ मुझसे बड़ा पाप हुआ है, माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे क्षमा कर दो, माँ मुझे मेरे पति के प्राणों की भीख दो, माँ मुझे मेरे पति के प्राणों की भीख दो। माँ घबराओ नहीं बहू, घबराओ नहीं, भगवान से कुछ दूर नहीं, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली है, इसलिए तो तुम यहाँ आए हो मेरे पास, अपने भगवान के पास। वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा, सुहागन आई हूँ, सुहागन जाओगी माँ। शारदा, तुमने अपने बेटे को दूसरा जन्म दिया है। प्रकृति माता की देन है प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना सुनी, अब तेरी इच्छा पूरी हो। Thank you.
कि मैं फिर आऊंगी और वो इस बच्चे के रूप में आ गई। मैं भी क्या करूं, माँ को पूजा पाठ से फुर्सत नहीं और बच्चों की माँ को बच्चों से। बस इसी तरह हम इसे देखते कि खुश होते और समझते कि अब भी हमारी माँ हमारे घर में मौजूद है।